हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं अनिल ह्यूमन आपका स्वागत करता हूं। मेरे पीछे जो आप ये खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं, ये चकोड़ी है। ये डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के बेरीनाग ब्लॉक में चकोड़ी एक टूरिस्ट प्लेस है। अगर आपको ये कंक्रीट फॉरेस्ट से बाहर आना है और एक सुकून भरी जिंदगी जीनी है कुछ टाइम के लिए, तो ये इससे बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती है। ये इतनी बेहतरीन लोकेशन है, यहां से इतने सारे व्यूज हैं, हिमालय के दर्शन है, हिमालय बिल्कुल सामने दिखता है, और इतने प्राकृतिक नैसर्गिक जो सौंदर्य है वो यहां पर उसकी पराकाष्ठा है। इतना बेहतरीन है कि मैं आज पूरे चकोड़ी का सारा जितना भी देखने लायक है, यहां सुकून भरी जिंदगी जीने लायक है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए मेरे साथ। समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये चकोड़ी डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में आता है। बहुत बेहतरीन लोकेशन है आउटिंग के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कंक्रीट फॉरेस्ट से बाहर आके एक सुकून भरी जिंदगी जीनी है, तो ये बेहतरीन प्लेस है। यहाँ ये अभी मैं TRH कुमाऊं मंडल विकास निगम के टूरिस्ट रेस्ट हाउसेज बने हुए हैं उसके अंदर हूँ। ये मचान है जिसकी हाइट पे मैं खूब ऊपर एक मचान वाली हाइट पे हूँ। ये TRH है यहाँ का। अभी मैं आपको इसकी अंदर की लोकेशंस भी दिखाऊंगा कि कॉटेज किस तरह के हैं, किस तरह से आप अपनी लाइफ को यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये अभी बादल छाए हुए हैं, तो जो ये लास्ट हिल आपको दिख रहा है, यही हिमालय है। इससे लगा हुआ आप हिमालय के व्यूज सुबह सुबह यहां से दिखने में बहुत मजा आता है। सनराइज के टाइम पे तो ये अद्भुत नजारा होता है। ना ठंडा है ना गर्म है। हाँ, अगर आप विंटर सीजन में यहाँ आते हैं तो बहुत कड़ाके की ठंड होती है, यहाँ पर स्नोफॉल भी होता है। तो इतना बेहतरीन बना हुआ है, ये लगभग पैक्ड रहता है पूरे सीजन में। ये कॉटेजेस तो आपको फ्री मिलेंगे ही नहीं, इसके ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हैं। मैं और भी और डिटेल से बताऊंगा कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस से। तो फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, हर्ट्स वाले भी हैं, कॉटेजेस वाले भी रिजॉर्ट्स हैं, प्राइवेट रिजॉर्ट्स हैं, ये तो सेमी गवर्नमेंट रिजॉर्ट है। तो लोगों ने टेंट नुमा भी इस तरह से एडवेंचरस भी बना रखे हैं कि आप टेंट के अंदर भी रह सकते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक बार आप जरूर यहाँ घूमने आए। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आए हुए हैं। अब इतना पीसफुल है, इतना शोर शराबे से दूर है कि आप साल भर की, अगर वन ईयर में अगर आप 5 डेज या 3 डेज या 1 वीक भी यहाँ रहते हैं, तो पूरे साल की जो थकान है आपकी, जो स्ट्रेस है, वो कंप्लीटली रिलीज हो जाएगा। चलिए मैं आपको ये
सामने जो कॉटेजेस बनी हैं वो कॉटेजेस आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं इन छोटी छोटी जो कॉटेजेस बनी हैं, बहुत ही एडवेंचरस कॉटेजेस हैं ये, आपकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहती है यहाँ पे, उसकी तरफ जा रहा हूँ। उत्तराखंड टूरिज्म, इसको मैं पढ़ना चाहूंगा। चकोड़ी एक सपने की तरह है जो हिमालय की वादियों और घने जंगलों के बीच स्थित है। 2010 मीटर ऊंचाई पर स्थित और नैनीताल से 173 किलोमीटर दूर चकोड़ी सिर्फ एक हिल स्टेशन ही नहीं, यह सिर्फ कुछ उन लोगों के लिए है जो हिमालय के निकट नंदा देवी पंचाचूली चोटियों के जादुई नजारों को देखना चाहते हैं। चकोड़ी कुमाऊं के उन स्थानों में से एक जहां आप चाय के बाग देख सकते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह हिमालय के दिल में बसा चकोड़ी है। प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए यह एक आदर्श स्थान है। यहां प्राकृतिक नजारे, फलों के बगीचे, बांज, देवदार और बुरांश के घने वृक्ष हैं। तो एक तरह से यहां नेचर की हर चीज आपको मिल सकती है। ये पहले चाय बागान हुआ करते थे, इसको बहुत बड़ा चाय का उत्पादन क्षेत्र माना जाता था, लेकिन कालांतर में चाय के बागान खत्म हो गए और इस तरह से यहाँ रिजॉर्ट्स बन गए। ये आबाद हो गया, एक टूरिस्ट प्लेस बन गया ये। तो यहाँ की चाय बहुत फेमस थी, बेरीनाक टी के नाम से अभी भी मिलती है। जितना भी बचे खुचे वो हैं यहाँ पर, चाय के जो पौधे हैं वो बचे हैं, तो उनसे चाय बनती है आज की डेट में भी। ये बिल्कुल सेपरेट बने हुए हैं, ये कॉटेज है, मैं बिल्कुल कॉटेज के सामने हूँ। ये आपकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए ये कॉटेजेस हैं। इस कॉटेज के अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से बना हुआ है। इस बेडरूम से भी आप हिमालय के दर्शन कर सकते हैं। इस बेडरूम से ठीक लगी हुई ये खिड़की है और सुबह सुबह उठ के आप जो सामने हिल्स दिख रहे हैं, ये हिल्स आपको सुबह ही हिमालय का व्यू कराएंगे। मजा आ जाएगा आपको जब सुबह उठेंगे आप, सामने हिमालय को पाएंगे। सिंस अभी वर्षा ऋतु है तो इसलिए हिमालय क्लियर नहीं दिख रहा है। तो लगभग ऐसे ही 6 कॉटेजेस बने हुए यहाँ पे, ये अपने सीजन के टाइम पे बुक्ड रहते हैं, पैक्ड रहते हैं। और इन कॉटेजेस और जो मेन टीआरएच है ये ऊपर है, सारी सुख सुविधाएं यहां पर भी उपलब्ध हैं। और ये लगा हुआ ये बड़ा सा ग्राउंड है, चारों तरफ हरियाली। प्राकृतिक सौंदर्य के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इससे ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। तो यहां आप इस पार्क का भी भरपूर मजा ले सकते हैं। इतनी खूबसूरती से हर कॉटेज को सजाया गया है, हर कॉटेज के आगे एक गार्डन सा बना हुआ है, ताकि आप को ये फील ना हो कि आप वही फॉरेस्ट, कॉन्क्रीट फॉरेस्ट में है। फील गुड फैक्टर बनाने के लिए इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहां आना चाहते हैं तो मैं आपको यहां आने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं वो बताऊं। अगर आप किसी भी कोने से, फॉरेन से या इंडिया के किसी भी कोने से यहां आते हैं, तो फ्लाइट से नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है पंतनगर, और पंतनगर से लगभग 250 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है ये। और अगर आप ट्रेन से आते हैं तो ट्रेन का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो काठगोदाम के बाद आप बाय बस, बाय टैक्सी से यहां आ सकते हैं। और अगर आप बाय बस आते हैं तो भी आप जो प्लेन का एरिया है वो हल्द्वानी तक है, उसके बाद टैक्सी से आप यहां पहुंच सकते हैं। हल्द्वानी से लगभग 210 किलोमीटर है, पंतनगर से 250 किलोमीटर हो जाएगा अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं।
तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ कुछ एक कपल बैठे हुए हैं जो हैं तो लोकल के ही, बट यहाँ की ब्यूटी को देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं पिथौरागढ़ से। सर, मैं क्या आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम जाकिर अली है। ओके, मेरी वाइफ है नगीना। ओके, तो सर यहाँ सिर्फ टूरिज्म के लिए आए हुए हैं आज? जी जी, टूरिस्ट पहले से ही है। अच्छा, हाँ, अपने आप में काफी सुंदर है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, ये TRH यानी टूरिस्ट रेस्ट हाउस का रिसेप्शन है। ये कुमाऊं मंडल विकास निगम के अंडर आता है, सेमी गवर्नमेंट है, सरकार को भी फायदा होता है यहाँ से। यहाँ पर मिस्टर पपने बैठे हुए हैं एज मैनेजर ऑफ दिस TRH। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सर, कितना रश रहता है आपके इसमें? सर, अभी तो जुलाई अगस्त सितंबर तक तो कम रश रहता है जी, सितंबर के बाद अक्टूबर से फिर हमारा सीजन चालू हो जाता है। अच्छा, जो कि जून तक लास्ट तक रहेगा जी, तो लगभग उस समय 90% रश पूरा रहता है। हाँ, फिर तो पैक्ड रहता है उस टाइम पर, तो कोई रहता है तो ज्यादातर लोग फॉरेन से भी आते होंगे यहाँ या इंडिया के भी आते हैं। इंडिया के भी आते हैं, इंडिया के लगभग कलकत्ता के तो लगभग 90% तो कलकत्ता का ही रहता है। अच्छा अच्छा, बंगाली 80 से 90 बंगाली। ओके ओके, तो बड़ा अच्छा मेंटेन कर रखा है सर। सर थैंक यू। तो सर, ये जो जैसे कॉटेजेस हैं, इसके जो जब सीजन होता है उस टाइम पे क्या रेट्स होते हैं? सीजन में सर हमारे पास 2800 से शुरू होता है, 7500 तक का रेट है कॉटेज का। ओके, और उसमें डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री रहता है जी। मॉडिफाई अमेरिकन प्लान है ना हमारे पास। जी जी जी, तो उसमें आपका डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। ओके, तो फ्रेंड्स बहुत ही रीजनेबल रेट्स भी हैं, और ब्यूटी के मामले में तो आपने देख लिया नजारा, इतना खूबसूरत प्लेस है कि आप एक बार आएंगे तो हजार बार आएंगे। इस तरह से आज इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद है आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी यहाँ के बारे में मिलगी, कैसे ट्रैवल करके आना है। अगर आप बाय एयर आते हैं तो भी मैंने आपको बता दिया, ट्रेन से आते हैं तो भी मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। तो ज़रूर विजिट करिएगा एक बार TRH, टूरिस्ट रेस्ट हाउस, कुमाऊं मंडल विकास निगम, चकोरी, बेरीनाथ डिस्ट्रिक्ट, पिथौरागढ़। सी यू गाइस, बाय।